दंतेवाड़ा में पुलिस के जवानों ने मानवता दिखाई, वहीं डीआरजी के जवानों ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां महिला की सुरक्षित डिलीवरी हुई। दरअसल परिजनों द्वारा गर्भवती महिला को खाट में लाया जा रहा था, वहीं जवानों ने महिला को अपने कंधों से लाकर गश्त वाहन से पालनार स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जिसके बाद परिजनों ने जवानों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि ये वाकया जिले के धुर नक्सलगढ़ रेवाली का है, जहां की सड़क को नक्सलियों ने काटा हुआ था, जिसके चलते इस गांव में एम्बुलेंस और अन्य वाहन नहीं पहुंच पाते, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वारा तत्कालिक मानवता का परिचय देते हुए उस गर्भवती महिला को अपने कंधों पर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। प्रसव के पश्चात दोनों माँ और बच्चा भी स्वस्थ है। सड़क पुल पुलिया एवं अन्य कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को पूर्ण करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दूसरी ओर प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीओ महोदय संगठन द्वारा अंदरूनी क्षेत्र की जनता को भारतीय दुनिया के संपर्क से वंचित करने के लिए लगातार एक साजिश के तहत इन सब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को विरोध करते आ रही है। अब तक महोदय द्वारा बस्तर संभाग में 250 से अधिक सड़क एवं पुल पुलिया को ध्वस्त की गई, इससे क्षेत्र के जनता को अनेक प्रकार की कठिनाई को सामने करना पड़ रहा है। गर्भवती महिला को पलंग में लेटाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे, इसे देखते हुए डीआरजी जवान द्वारा